भगवान श्री राम जी का प्राकट्य अनंत बार हुआ, लेकिन हमको रामनवमी का ही पता है और कृष्ण जन्माष्टमी का पता है। गीता जी के चौथे अध्याय में भगवान ने कहा है, बहूनि में व्यतीता जन्मानि तो चार गुण तान्यहं वेद सर्वाणि दत्तो वेद पर। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हुए, एक तो नहीं बहुत जन्म हुए, ऐसा भगवान ने बताया। श्री राधे, तो भक्तों के आनंद की वृद्धि के लिए परमात्मा जन्म की लीला करते हैं। जन्म भगवान का होने का मतलब नहीं होता है कि जैसा हमारा आपका हाड़ मांस का शरीर मां के पेट से बाहर आता है, ऐसा भगवान का शरीर होता है, कुछ बात नहीं, वो एक लीला। भगवान के शरीर में चिदानंदमय देह तुम्हारी रहित विकार जान अधिकारी, अधिकारी अर्थात जो विशेष भक्त होता है वही जान पाता है भगवान का दिव्य शरीर। भगवान कहते हैं तुम मेरी सेवा करो, सेवा के विविध प्रकार हैं, ऐसा नहीं कि सेवा एक ही प्रकार की होती। जिसको ठाकुर जी ने जिस प्रकार की सेवा बताई उसी सेवा से कृपा कर दिया। हम अपनी क्षुद्र बुद्धि के कारण कोई थोड़ी सी सेवा जानते हैं, दूसरा कोई दूसरा जानते हैं, सेवा के विविध प्रकार होते हैं। मनुष्य की मेधा ज्ञान बुद्धि जो भी कहिए, इतना छोटी इतनी छोटी जैसे पहाड़ में से एक कण, अर्थात भगवान का ज्ञान पहाड़ में तो बहुत छोटा है, भगवान का ज्ञान अनंत है, उसमें से एक कण। अब किसी के पास छोटा कण है, किसी के पास बड़ा कण है, वो अपने को बता रहा सर्वज्ञ। वास्तव में देखा जाए तो आज से 1000 वर्ष, लगभग 1000 वर्ष पहले शंकराचार्य हुए, उनके बाद निर्माकाचार्य, रामानुजाचार्य, बाद में आज से 700 वर्ष पहले भगवान रामानुजाचार्य हुए, और भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ? 5200 वर्ष पहले। तो क्या 5200 वर्ष पहले जब भगवान का जन्म हुआ कृष्ण रूप में, तो उसके बाद कोई संत नहीं हुए जिनका आज हमको मनाना चाहिए? 5200 वर्ष व्यतीत हो गए कृष्ण के जन्म, और आचार्यों का अवतार जिनका नाम हम आप जानते हैं वो पूरे 1000 वर्ष। तो क्या 4000 वर्ष तक संत नहीं हुए? 4000 वर्ष के बीच में भी बहुत संत हुए होंगे, लेकिन आज उनको जानने वाले, लिखने वाले, बताने वाले कोई नहीं। आज हम अपने को कितने ही बड़े शक्ति सामर्थ्य और ज्ञान से निधान समझते हो, थोड़े दिन के बाद कोई नहीं जानेगा तुम कौन थे, कहां थे। गुरुदास तुलसीदास जी, मीरा जी, इन लोगों को 500 साल पहले हुए आज हम जानते, लेकिन 2000-3000 वर्ष पहले भी तो संत हुए होंगे। 3000-4000 वर्ष पहले जो संत थे उनका नाम क्यों नहीं जानते? क्या वे संत नहीं थे? नाम नहीं जानते हैं, लेकिन संत जरूर हुए। आज वास्तव में हम लोग ये मानते हैं कि बहुत बड़े बड़े हम लोग हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। जो अपने को बताते हैं कि हम फला ज्ञानी है, फला जगत गुरु हैं, और उपाधियां बताते हैं, कुछ भी नहीं। थोड़े दिन के बाद कोई नहीं किसी को जानने वाला। सीमित समय के लिए आयु मिली है, उसमें ठाकुर जी की सेवा करनी है। सेवा के कई प्रकार होते हैं, मैं एक व्यावहारिक और सबके उपयोगी सेवा बता रहा हूं। 5वें अध्याय में गीता जी के आखिरी श्लोक में भगवान ने कहा है, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति पृच्छति। भगवान कहते हैं मैं भोक्ता हूं यज्ञ और तपस्या का, मेरे लिए यज्ञ करके और तपस्या करके तुम मुझे
मुझे मेरा भोज्य प्रदान करोगे और मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। मैं सुहृदं सर्वभूतानां सभी जीवों का सच्चा सुहृद अर्थात मित्र हूं। भक्तो अब ये क्यों तपस्या आज व्यवहार में हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं दिखती? न हम लोग रोजाना यज्ञ करते हैं, न हम रोजाना तपस्या करते हैं। अब आप रोजाना करेंगे तपस्या और रोजाना यज्ञ करेंगे, मैं ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिसमें आपको वो सामग्री नहीं लानी पड़ेगी। यज्ञ क्या है? यज्ञ है अपने द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने की क्रिया, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। पांचवें अध्याय के आखिरी श्लोक में ठाकुर जी ने कहा है, भोक्तारं यज्ञ तप्सां, यज्ञ और तपस्या तुम करोगे तो मुझे तुम भोजन कराओगे, मैं खुश हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा। अब यज्ञ का मतलब मैंने बताया दूसरों की सेवा करना। सेवा भी कई प्रकार की होगी, जिसके पास जैसी योग्यता। मान लीजिए आपके पास ठाकुर जी ने दिया है, आप भूखे को, दुखी को, गरीब को, उनको भोजन कराइए, वस्त्र दीजिए, ये यज्ञ हुआ। अब आपके पास मान लीजिए पैसा नहीं है, तो उस क्रिया में जो लगे, जो भोजन कराए, जो दवाई दे रहे हैं, कपड़ा पहना रहे हैं या और किसी प्रकार का सेवा का प्रकल्प चला रहे हैं, और आपके पास पैसा नहीं तो अपने शरीर से लग जाइए, उसके वितरण कार्य में सहयोग करिए, उसमें आप सुविधाएं प्रदान करिए, ये भी यज्ञ हो गया। और विद्या दान देना, ये भी यज्ञ, उसको आपने दिया तो परोपकार को दिया। शरीर के द्वारा किसी का श्रम दान करके सहयोग करना, वो भी यज्ञ हो गया। किसी को किसी प्रकार से परोपकार से सुख पहुंचाना यज्ञ है। तपस्या क्या है? तपस्या है उस कार्य में की जाने वाली जो क्रियाएं अर्थात परिश्रम आदि है, उसमें जो कष्ट आपको होता है, जो निंदा आपकी की जाती है, जो तमाम लोग बुराई आपकी करते हैं, उन सबको हंस हंस के सह लेना, ये तपस्या। और ये तपस्या आप नहीं करोगे तो फिर आइए कि आपका रुक जाएगा। ये तपस्या आप नहीं करोगे तो आपका ये रुक जाएगा। जहां बुराई हुई, अरे हमसे नहीं होता है तो लोग हमको ऐसा ऐसा बोलते, फिर आपकी तपस्या ये नहीं है तो ये रुक जाए। आपने लोगों को भोजन देना शुरू किया, बहुत बड़ा यज्ञ। अब उस यज्ञ में क्या होगा? कभी आपके पास पैसे की कमी पड़ गई या बाद में आपके लिए भोजन नहीं बचा, उसने आधा पेट खाए या भूखे रह गए। जिस दिन आप आधा पेट खाए या भूखे रह गए या उस समय का भोजन नहीं मिला, शाम को मिला, उस दिन आपकी तपस्या हो गई। जो आपने भोजन कराया सबको, वो यज्ञ हुआ, और जो आप भूखे रह गए वो तपस्या हुई। अब उसमें जो दुख आपने कष्ट झेला, जैसे धूप में खड़े रहे या पैदल चल करके गए या परेशानियां झेल करके गए, उस व्यक्ति के पास उसको सुख पहुंचाया, वो भी आपकी तपस्या हो गई। किसी ने आपकी खूब बुराई की, जो सेवा पराए डॉक्टर लोग हैं, कई मरीज ऐसे मिल जाते हैं, मरीज गाली दे रहा है, मरीज लात मार रहा है, मरीज फूक रहा है डॉक्टर के ऊपर, और तब भी डॉक्टर कहता है इसका भला करना है, इसलिए फूके गाली से हाथ मारे तब भी इसको सही दवा दे करके इसको ठीक करना है। डॉक्टर ने जो दवाई की वो तो यज्ञ हुआ, और जो उसको लात खाया और दुख नहीं माना, वो तपस्या हो। अब ये यज्ञ और तपस्या दोनों कार्य हो रहा, इसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। गीता के पांचवें अध्याय का आखिरी श्लोक में प्रभु ने कहा, आपने किसी व्यक्ति के लिए अच्छा काम किया और वो व्यक्ति नासमझी के कारण, अल्प बुद्धि के कारण आपको उल्टा सीधा बोल के गया, अरे दे सकता था 100 रुपया दिया 50, और न जाने क्या अच्छा बोल गया तो नहीं बोलना चाहिए। आपने उसको समझा कि 50 रुपए इसको देने से इसका काम हो जाएगा, अब आपको चाहे गाली दे, गाली सुनकर के दुखी मत हो, उसका उल्टा मत बोलो, उसको डांटो फटकारो मत,
और तुम्हारी बुराई घर के भी लोग कर रहे हैं, रिश्तेदार लोग कर रहे हैं, पागल हो गया, पन्ना लुटा रहा है, वो सब सहन करना तपस्या है। लक्ष्य से विचलित मत हो, यज्ञ करते रहो, तपस्या करते रहो। ठाकुर जी आपके ऊपर इतना प्रसन्न होंगे कि गिफ्ट में अपना प्रेम आपको दे देंगे, फिर आप भी आप भक्तों, फिर आपका भगवान से एक रिश्ता जुड़ जाएगा और उस रिश्ते में इतना आनंद होगा कि दुनिया के सारे कार्य छोड़ करके आपका आनंद, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, आपका जो भक्ति का प्रेम का आनंद है, कुछ रस का और अभिवर्धन करने के लिए रसास्वादन के बहाने रसराज श्री कृष्ण स्वयं पधारे चले जाते।